Friends, this is exercise 3.6, question number 1, part 6. दो इक्वेशन हमें गिवन है, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? तो यहाँ देखो, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है, वेरिएबल्स जो हैं, वो किस में दिए हुए हैं, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है साथ में, ठीक है? तो हम सॉल्व तो कर नहीं सकते इसको, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स वाई, ठीक है? दोनों इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, 6x/xy प्लस 3y/xy इक्वल टू 6xy/xy, ठीक है? डिवाइड करके फर्स्ट इक्वेशन को देखो, x यहां से एलिमिनेट हो गया, यहाँ y एलिमिनेट हो गया, और यहाँ xy कैंसिल, तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6, ठीक है? तो ये सिंप्लीफाई हो गई, इसको मैं ले लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोथ साइड जब xy से डिवाइड करेंगे तो 2x/xy प्लस 4y/xy इक्वल टू 5xy/xy, ठीक है? xy यहाँ एलिमिनेट हो गया, या y कैंसिल, यहाँ x, तो ये इक्वेशन क्या होगी, 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5, तो ये होगी फोर्थ इक्वेशन। अब देखो वेरिएबल्स क्या है हमारे, डिनोमिनेटर में, जब भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में होते हैं तो हम एक न्यू वेरिएबल से इनको लेट करते हैं, ठीक है? तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, 1/y 1/y 1/x 1/x, ठीक है? तो इन दोनों को लेट कर लेते हैं न्यू वेरिएबल से साथ, लेट 1/x इक्वल टू पी एंड 1/y इक्वल टू क्यू, ठीक है? पी 1/x और 1/y की वैल्यू हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 6q, थर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी, 6q प्लस 3p इक्वल टू 6, और ये फोर्थ क्या हो जाएगी, 2q प्लस 4p इक्वल टू 5। तो अब मेथड कौन सा यूज करना है हमें, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेव करना है। तो देखो यहाँ क्यू 6 है, और यहाँ क्यू का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इसको सेव करने के लिए मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, ठीक है? तो ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगी हमारी, ठीक है, 6q प्लस 3p इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6q प्लस 12p इक्वल टू 15। अब ये साइन भी डिफरेंट होना चाहिए, तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं सबके नीचे वाली इक्वेशन में, ठीक है? अब ये हो गया एलिमिनेट, 3-12-9p इक्वल टू 6-15-7, माइनस से माइनस कैंसिल, -9, ठीक है? तो पी इक्वल टू क्या आ गया, -9/-9, दैट इज 1, ठीक है? अब पी की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, इसमें या इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू, तो मैं इसमें इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं, ठीक है? पी की वैल्यू 6q प्लस 3p की 1 वैल्यू है, तो 1, 6q इक्वल टू 6-3, क्यू इक्वल टू क्या आ गया, 3/6, दैट इज 1/2। अब पी और क्यू की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की, ठीक है? तो यहां हम जो हमने लेट किया था, हम उसको पी और क्यू की वैल्यू वहां रख देते हैं, तो 1/x क्या आ गया, पी क्या है हमारा 1, तो एक्स भी क्या आ गया है ना 1, और 1/y का लेट किया था हमने, क्यू क्या है 1/2, तो वाई क्या आ गया हमारा 2।
देन